ऊर्जा मंत्री के राज में मथुरा में बिजली का फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर बिजली बिल भरने के नाम पर ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, वहीं जेई द्वारा अवैध रूप से पैसे वसूल करने का मामला सामने आया है। चौमुआ ब्लॉक के गांव गांगरौली के ग्रामीणों ने जेई ललित कुमार पर 1000 रुपए अवैध वसूली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि जेई ललित कुमार सरचार्ज माफ करने के लिए ओटीएस काटने हमारे गाँव में आए। जो ओटीएस कटना था वो बिल में ब्याज से हटाकर बचे हुए बिल का 30% कटना है और यहां जेई ने ग्रामीणों से ओटीएस काटने से पहले ही 1000 रुपए अवैध रूप से वसूल किए हैं। जब ग्रामीणों ने 1000 रुपए की रसीद मांगना चाहा तो जेई उन्हें फटकारने लगा और बाद में रसीद देने की बात कहकर बात को टालने लगा। जब ग्रामीण जेई की वीडियो बनाने लगे तो जेई ने जाकर नजदीकी थाने में उनके खिलाफ बदतमीजी करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिसोदिया ने मुख्यमंत्री पोर्टल, ऊर्जा मंत्री व अन्य उच्च अधिकारियों को जेई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देशराज सिसोदिया व किसान सभा के महामंत्री द्वारकाधीश यादव ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जेई ललित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से ओटीएस के पैसे लिए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्ट जेई ललित कुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो किसान यूनियन संगठन धरने व आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मैं तो बताओ ना, अब बताओ, अब बताओ कि 1000 रुपए आप काय बात के ले रहे हैं? अरे आगे, अब यहाँ इतनी दूर में कछु है रो? ये जेई साहब है हमारे, ये अतगाए चौमा ब्लॉक पे, और ये कह रहे हैं साहब 1000 रुपया। हाँ जेई चौमा है, हाँ 1000 रुपये आप मतलब जावाद के ले रहे हैं, छूट दे रहे हैं हमें? 1000 रुपये छूट दे रहे हैं आप इस बात के ले रहे हैं आप? एक घूस ले रहे हैं? एक हजार रुपया एक घूस ही तो है, एक तरह पर्ची मतलब प्रिंटेड कॉपी निकालो ना। सही बात है, देख नहीं प्रिंट आउट निकलवा कितना बिल तुम्हारा जमा है, रो कितना सीट है अभी निकलवाओ, इन्हीं पे निकालो, प्रिंट आउट निकालेंगे, अकाउंट नंबर बताओ, निकालियो भैया निकालो, प्रिंट आउट निकालो, यही सब निकलवाओ, दूर की बात ना है, एक मिनट लगेगी, अभी प्रिंट आउट आ जाओ, अकाउंट नंबर पर फोन करो, अब 4970। अरे राम प्रसाद फोन करो, अकाउंट नंबर बता दो, अकाउंट नंबर इसमें पूछ रहा हूँ, बता दो, अब फोन करो राम प्रसाद। तो जेई साहब आप मतलब इतनी घूस क्यों ले रहे हैं, मतलब हर एक टाइम में आपको मतलब किससे पैसा फालतू ले रहे हैं, किससे नहीं ले रहे हैं, 1000 रुपए जाया कहाँ रहे? क्या नाम है आपका? विष्णु। आपके गांव में जो जेई उस दिन आए थे वो क्या मामला है पूरा बताइए। गांव में हमारे में जेई आए, हम कौन सा गाँव है आपका? गाँव गांगरौली है हमारा, ठीक। हम बिल जमा करने के लिए गए, जेई हमारे गाँव में आई तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा लिए गई। हमने कहा कि 1000 रुपए की रसीद दे दो ना, उन्होंने कोई रसीद दी और मना कर दिया, कह दिया कि मैं इनको जमा कर दूंगा, बाद में रसीद मिल जाएंगे आप, ना कोई रसीद बाद में दे के गए, और बहुत गांव के सभी लोगों से लिए वो। इस बात पे थोड़ी सी ने वो हुई कि मतलब काय बात के ले रहे हैं, काय बात के ले रहे हैं, वीडियो बना ली उनकी, तो उसमें 5-6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है उन्होंने। तो उनको उनको उनसे कहा नहीं आपने कि ये रसीद पैसे 1000 रुपए जो ले रहे हो इसकी रसीद दे दो, तब का क्या क्या कहा उन्होंने? ये कह दिया कि रसीद नहीं, हम जमा कर देंगे, अपने आप जमा कर देंगे, अपने आप जमा कर देंगे। उसकी जो गांव के लोगों ने वीडियो बना ली, उसकी गांव के लोगों ने वीडियो बना ली, कई गांवों के थे उसमें, गांव के कई गांवों के लोगों ने वीडियो बना ली, तो उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, उनको धमका रहा है जेई के। गांगरौली के लोगों ने आपसे ये आरोप लगाया कि 1000 रुपए अवैध वसूली आपने की, 1000 रुपए की, तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसा हुआ था कि जो उपभोक्ता है हमारे, उन पर बिजली के बिल चल रहे हैं और बिजली बिल इकट्ठा हो रहा है, तो उसको उपलक्ष्य में RODO की 1000 की रसीद होती है, वो रसीद दी है उनको। नहीं, उपभोक्ता को यह कहना है कि 1000 रुपए की कोई रसीद जी हिसाब नहीं दे रहे हैं, ना कोई उसको कोई हिसाब दे पा रहे हैं। नहीं रसीद दी है हरचंद कुमार को, दी है उन लोगों आड़ में, इस तरीके से उन्होंने वीडियोग्राफी की हमारी और वो आए हमारे पास। तो आप ये भी आरोप लगाए हैं कि मतलब यदि 1000 रुपए ना दें तो आप झूठे मुकदमा फंसाने की धमकी देते? ऐसा तो नहीं है, उन लोग उस एक दो आदमी थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी कि जो RODO की आपने जो रसीद दी है ये इलीगल है, विवाह की नहीं है, और इसकी आड़ में और हमारी वीडियोग्राफी वगैरह की है, और इस तरीके से हम आरोप लगाए। आपका कहना है कि आरोप गलत है? बिल्कुल, आरोप 100% गलत।